इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और दोस्तों हमारा फाइनली रावण बनकर तैयार हो चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को हैप्पी दशहरा। और आज हम इस रावण का दहन करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि यह रावण कैसे खड़ा हुआ। और ये हमारा आनंद भाई जो कि रावण के बारे में फुल डिटेल देगा, और आज बम वगैरह लगा रहे हैं हम लोग इस टाइम। तो चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे बम लगाए जा रहे हैं। तो ये राजू भैया, जो राजू भैया ऊपर, राजू भैया, राजू भैया लगा रहे हैं। ये बम देख रहे हो गाइस, क्या बम है? ये आलू बम है, हाइड्रो कहते हैं। हाइड्रो, हाँ आलू बम है ना, हाइड्रो कहते हैं। हाइड्रो बम और काफी अच्छी कंपनी की क्लासिक की है, क्लासिक किंग बम, जो कि फटेंगे तो काफी। और देखो इसमें बुर्ला शाह की लड़ी भी लगा रहे हैं। आनंद भाई नीचे दिखाओ, इसमें देखो गाइस, जो कि अब तक मैं एक पिछले रावण के पास गया था, लेकिन वहाँ पे इतने बम नहीं थे। इसमें गाइस देखेंगे मोटे मोटे बम और सुतली बम भी लगा रखे हैं। सुतली बम कहते हैं ना उसे, हाँ बड़ी बम, हाँ सुतली बम। ये है चर्च, ये हमारे राजू भैया, ये है चर्च, स्टार्ट है ना। तो गाइस सबसे बड़ी बात दिखा दूँ आपको, फेस, रावण का फेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर फेस अच्छा ना हो तो रावण किसी मायने का नहीं आता। जो कि भैया है, अरे नाक ही फोड़ हो गए सारे जने, नाक के अंदर बुलेट बम को फिट कर रहे हैं, नाक उड़ाना चाहते मतलब रावण से, पूरा मतलब हो गया मतलब, है ना। तो देख सकते हैं ये है रावण का फेस, काफी अच्छी तरीके से बनाया गया, और इसके अंदर जो है बम वगैरह काफी अच्छे लगाए गए। सॉरी आनंद भाई, बड़े दिखा रहा, आनंद भाई आ जाओ, बता दूं। तो ये जो हमारा आनंद भाई काफी सपोर्ट कर रहा है वीडियो बनाने में, बाकी तो सारे ऐसे ही हैं। और देखेंगे अंदर बम की तो लाइन, पूरी खोपड़ी उड़ाने का इरादा है इनका, तो पूरा ब्लास्ट कर देंगे ये लोग। तो और सबसे जो हमारा हो गया, अब यहाँ पे लोगों पे बम का बजट बहुत ज्यादा है, इसलिए बम भर के लगा रहे हैं। यहाँ पे बम जितना लगेगा उतना जल्दी रावण जलेगा, और उतना बढ़िया रावण जलेगा, खूब धमाका करेगा। सुनो जो असली मेहनत कर रहे हैं हमारी टीम के, जो मेन सबसे एजेंट बंदे हैं, आइए हम उनसे मिलते हैं, आ जाओ। ये देखो शंकर अंकल, जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं और रावण को फिट करने की जिम्मेवारी इन्हीं की है कि बिना फटे और रावण पूरा खड़ा हो जाए। ये देखो, नमस्कार बोलो हमारे दोस्तों को। हाँ ये देखो इन्होंने, मेरा जिम्मे है कहीं भी हो तुड़ाई खुदाई की, हाँ तुड़ाई खुदाई करानी हो तो अंकल पूरे अच्छी तरीके से खुदाई कर लेते हैं। तो अरे बहुत अच्छे अंकल हमारे। और ये देखो हमारे अंकल ने ये गड्ढा किया रावण डालने का, ये देखो, ये देखो अंकल इतना गहरा खड्डा करा है, उसके बाद दीपक लगाया, कहीं ये मत सोचना कि दीपक ये करा, दीपक भी काफी अच्छा मेहनत कर रहा है। रावण तो पूरा खड़ा कर दिया दीपक ने, दो दिन के अंदर रात भर लग लग के, तीन तीन चार चार बजे तक लग लग के दीपक ने ही रावण को पूरा अच्छे तरीके से बनाया। जो भी आज देखोगे आप, जो डिजाइन वगैरह है वो दीपक का ही है। टैगोर गार्डन में दीपक ने बहुत सारे रावण बनाए हैं, करतारपुर में। कहाँ पे? करतारपुर, करतारपुर में। आनंद भाई ने बताया करतारपुर में, तो वहाँ पे बहुत सारे रावण बनाए हैं। तो क्या बोलना चाहोगे भाई तुमने, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन्होंने तो रावण में बनाने में फुल सहयोग किया है। हाय तो बोलो भाई, हाय तुम भी आओगे यार। और आइसक्रीम, ये बच्चा आइसक्रीम खा रहा है काम करने के बाद, कोई नहीं छोटा है, सबसे छोटा दर्शक है, आ जाओ। दोस्तों अगर आप लोग हमारे रावण को जलता हुआ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो कुछ ही देर में हम लोग रावण को खड़ा कर देंगे और उसका फिर दहन भी करेंगे, लेकिन इसको हम सब कुछ दिखाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।